सबको नमस्ते। मैं रवि नायक, डिस्ट्रिक्ट पलवल, बंजारा समाज का जिला अध्यक्ष, और मैं अपनी समाज के लोगों के लिए मैं करीब 5 साल से काम कर रहा हूँ। आज मैं सदरपुर, ककड़ीपुर और बडराम में गया था, अपनी समाज के लोगों को समझाया और उनकी मैंने समस्या सुनी और अपने लोगों को कहा कि पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाएं। और जो हमारी समाज में लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करते हैं, तो मैंने ये बात रखी कि कोई भी लड़की 18 साल और लड़का 21 साल से शादी होगी तो वो ठीक है। जो कम में लड़की की शादी करेगा, कम उम्र में, तो उस शादी को हम रुकवाएंगे, तो ये मैंने कहा। और बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने कहा और कई समस्या सुनी, जैसे हमारे ककड़ीपुर में हमारे बच्चों के लिए, बंजारा समाज के लोगों के लिए स्कूल नहीं है, तो ये भी समस्या बताई। जैसे शमशानों में ये रास्ता नहीं है और कच्ची गलियां हैं, और ये कई समस्या मैंने सुनी लोगों की। और मैंने जो हमारे समाज के लोग दारू में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मैंने दारू के लिए भी उनको कहा। और यही मैं आज मैंने 3 गांवों का दौरा किया। कल होडल में जो हमारे पिंगोड टोना सेवली, कल इन गांवों में जाऊंगा मैं। और हमारे साथ हमारे नायक न्यूज के हमारे किशोर कुमार नायक हमारे साथ, और हमारे जिला अध्यक्ष नोजे राजेंद्र वो साथ में जाएंगे कल, और मैं कल हमारे गुरुजी कैमरा डागर जो अलालपुर गांव से हैं वो भी कल हमारे साथ जाते हैं। आज वो किसी कारण किसी मीटिंग में थे, आज वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो कल वो हमारे साथ रहेंगे। और हमारी समाज के लोग हमारे समाज का बहुत बहुत साथ देते हैं। वो करीब 5 सालों से मेरे साथ घर घर जाके लोगों को समझाया, तो पहले भी उन्होंने मैं जिला अध्यक्ष बनाया था। और मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा बस। और हमारे मैं अभी उनके डागर साहब हैं मेरे पास, वो कुछ हमारे समाज के बारे में कुछ बात बताना चाहिए। देखिए भाई रवि गेलपुर बंजारा समाज से, और भाई न्यूज़ वाले जो बंजारा न्यूज़ से हैं, इन लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और ऐसी समाज के लिए ये लड़ रहे हैं जिन्हें लोग बहुत ही ऐसे तरीके से देखते हैं कि इन लोगों का क्या है, कुछ नहीं है ऐसा। तो इन लोगों ने जो ये मुहिम छेड़ी है, इन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्यों कि विभिन्न नामों से इन लोगों को पुकारा जाता है, जिनमें से कई शब्द ऐसे हैं कि ऐसी एक्ट भी लग सकता है। लोग इस तरीका की भाषा जो सुरन जाती हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने आप में बहुत अतिखा बनता है, तो वो लोग इन लोगों को दबाने के लिए ऐसे शब्द भी यूज करते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, भाई हर व्यक्ति इसी समाज से जुड़ा है और इसी समाज में रहना है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। समाज का व्यक्ति समाज का काम करता है, चाहे अपने अपने तरीके से, वो कोई भी बिजनेस करता हो, ये भी अपना फेरी वाले की तरह एक बिजनेस करते हैं, और इस बिजनेस में इन्होंने जो मकाम हासिल किया है, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक अटैची एक गठरी में घर का गुजारा कोई व्यक्ति करके दिखाए, इन लोगों ने वो कमाल कर दिया है।
जिससे आज अपना पाल पोषण बच्चों का इन लोगों ने इस चीज से किया है। अन्यथा कोई धरती पाती या इस तरीका की कोई भी इन पे ऐसा जरिया नहीं होता जिससे अपने बच्चों का गुजारा कर सके। मैं समाज सेवी होने के नाते, एक वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते, बंजारा भाइयों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ। एक भाई सुल्पा गांजा भांग धतूरा, ये हमारे आपका खाने पीने का सौदा नहीं है, ये बहुत नुकसान की चीज़ है। अभी रवि गेलपुर ने, जो अध्यक्ष जी ने आपके ने कहा है कि भाई जो बाल विवाह पे काम ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात इन लोगों ने अपने मुख से निकाली है। बाल विवाह एक ऐसी समस्या है, एक इसको कोई भी नहीं अच्छा बता सकता है। क्यों? बाल विवाह की राजस्थान से परंपरा चली है और वो परंपरा आज तक भी हमारे देश को खोखला कर रही है। बच्चों की शादी 18 साल से ऊपर लड़की और 21 साल का लड़का, और इससे नीचे का कानूनी कार्रवाई में आता है। तो इसलिए इन लोगों को भी समझना होगा, एक पैसा ब्याज पर लेकर शादियों में ना लगाएं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शहर के अंदर जिन संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ हजारों बच्चों की शादी, 200-400 बच्चों की शादी हम हर साल शहर में कराते हैं, जिसमें अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहन सहन के लिए कपड़े वपड़े, वो सारी चीज़ें, मशीनें वगैरह, वो सारी चीज़ें, पलंग वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह हमारी संस्थाएँ देती हैं। और आके हम लोगों से संपर्क करें और आपका फ्री में काम होगा। सिर्फ और सिर्फ 1100 या 5000 की पर्ची कटती है जो संस्था का जो रूल है, तो उसमें अपने बच्चों की शादी संस्थाओं में करें। और संस्था के लेवल से एक माननीय शादी होती है जिसमें जजेस भी बैठते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और हमारे संस्था के सभी लोग बैठते हैं जिसमें सब तरह के उन पर पदाधिकारी होते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, एक आपका तो काम फ्री में हो रहा है, लेकिन उसकी एवजी में ये नहीं कि जो पैसा आपका बच गया 1-2 लाख रुपया, उसके आप नशे में चल के दारू पी जाओ, भांग धतूरा खरीद लो। मेरे भाइयों, मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और आप जो है इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें। और एक भ्रूण हत्या पे जो काम सामाजिक लोग कर रहे हैं, उन पे भी विशेष ध्यान दें। एक हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है और ना ही होना चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा।